नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। भारतीय रेल इन दिनों कायाकल्प के दौर में है। इसके तहत एनएफ रेल मंडल के कटिहार डिवीजन में अमृत भारत योजना के तहत 9 प्लेटफॉर्म का कायाकल्प किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत इन 9 स्टेशनों का डिजिटल तरीके से शिलान्यास करेंगे। इसमें 3 प्लेटफॉर्म बिहार से जुड़ा हुआ है, ठाकुरगंज, किशनगंज और बारसोई के साथ साथ इस रेल मंडल के ही बंगाल के 6 दालकोला, लुआबाड़ी, हल्दीबाड़ी, समसी, जलपाईगुड़ी, गंज स्टेशनों का भी अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प किया जाएगा। कटिहार रेल मंडल के ADRM ने इसको लेकर विस्तार रूप से जानकारी दी है। इसके अलावा पूर्व डिप्टी CM सह कटिहार विधायक तार किशोर प्रसाद ने जल्द रेलवे महकमे से कटिहार के लिए खुशखबरी मिलने की उम्मीद जताई। पूर्व डिप्टी CM सह कटिहार के स्थानीय विधायक तार किशोर प्रसाद ने कहा कि उनके द्वारा कटिहार से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मांग किया गया है। उम्मीद है कि यह ट्रेन की सेवा जल्द कटिहार के लोगों को मिल सकता है। कुल मिलाकर अमृत भारत योजना के तहत प्लेटफॉर्म के कायाकल्प और वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा जल्द कटिहार से मिलने की उम्मीद को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। हमारा जो कटिहार डिवीजन में अमृत भारत में हमारा 18 स्टेशन का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें ये 9 स्टेशन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्क स्टार्ट करने के लिए फाउंडेशन स्टोन लिंक सेरेमनी इसमें हो रहा है। और ये हमारा जो 9 स्टेशन है उसमें अप्रोक्सीमेटली 218 करोड़ का वर्क अवार्ड है, जिसमें है कि हमारा 12 मीटर का FOB है, स्टेशन बिल्डिंग बनाना है, पार्किंग एरिया को डेवलप करना है और जितनी भी पैसेंजर एमिनिटी पैसेंजर फैसिलिटी को फैसिलिटेट कर सके उसके लिए ये पूरा इन्वेस्टमेंट है। और इसमें हम लोग ने जिस स्टेशन में हो रहा है उस स्टेशन में एक कंपटीशन का भी हम लोग वहाँ स्कूल में अरेंजमेंट हम लोग करवा रहे हैं। वो 4 तक हम लोग कंप्लीट करवा लेंगे। कंपटीशन में देश और रेलवे में क्या अच्छा हो रहा है ये हमारा टॉपिक है। और इसमें ऐसे कंपटीशन होगा, पेंटिंग होगा, डिबेट होगा और इसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उसको हम 6 तारीख को पुरस्कृत करेंगे उस स्टेशन पर। इस इलाके के लिए आप कई बार वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए डिमांड कर चुके हैं, क्या आगे क्या उम्मीद करें कटिहार के लोग, क्या उम्मीद करें? देखिए, वंदे भारत की का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो बदलते भारत का एक उज्ज्वल पक्ष है। और हम सब कटिहार से आते हैं तो स्वाभाविक है कि कटिहार से वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो, तो उसके लिए एक शर्त है कि 600 किलोमीटर के परिधि में ही वंदे भारत का परिचालन हो सकता है। इसके लिए हम सबों ने बनारस का सुझाव दिया है, जहां काशी विश्वनाथ विराजते हैं और इलाज के लिए भी एक बेहतर शहर के रूप में काशी विश्वनाथ जाना जाता है, वाराणसी जाना जाता है। तो हमने हाल के दिल्ली प्रवास में भी माननीय रेल मंत्री जी से भेंट की थी, हमने वंदे भारत को कटिहार से बनारस तक के परिचालन का आग्रह किया है। साथ साथ कटिहार से दक्षिण भारत के लिए एक द्रुतगामी ट्रेन का शुभारंभ हो लगातार हम सब मांग करते आ रहे हैं। माने रेल मंत्री ने कहा भी है कि इस पर हम सब गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दक्षिण भारत के लिए एक द्रुतगामी ट्रेन एवं वंदे भारत ट्रेन का परिचालन निश्चित तौर पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय का मुख्यालय कटिहार है। और मुझे तो लगता है कि बिहार में अगर दानापुर, हाजीपुर और सोनपुर काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक है, तो शेष बिहार का एकमात्र
मंडल रेल कार्यालय कटिहार है, इसलिए कटिहार का रेल के दृष्टि से अपना काफ़ी महत्व है और काफ़ी बड़ा क्षेत्र इसे इसको से कवर होता है, तो प्रचालन होना चाहिए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।